पब्लिक स्कूल झिड़ीवाला। एडमिशन्स ओपन फॉर द सेशन मार्च 2018-19। आर्यन पब्लिक स्कूल सितारे की तरह चमकता हुआ एक शिक्षण संस्थान है। 7 बीघे में फैला आर्यन पब्लिक स्कूल प्रदूषण और शोरगुल से दूर ग्राम झिड़ीवाला में स्थित है। आर्यन पब्लिक स्कूल का अपना खेल का मैदान है। स्कूल के सभी कमरे स्मार्ट क्लासेस उपकरणों से लैस हैं। आईटी के प्रोत्साहन के लिए स्कूल में कंप्यूटर लैब है। पठन पाठन के अलावा ज्ञान विज्ञान की वृद्धि के लिए पुस्तकालय भी है। स्कूल के पास अपनी एक प्रयोगशाला भी है, जो कि विज्ञान के आधुनिक उपकरणों और रासायनिक सामग्री से पूर्णतः लैस है और विद्यार्थियों के लिए यातायात की सुविधा भी उपलब्ध है। लक्कड़ बाजार के मंदिर में हुई चोरी का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। गंज बाजार में स्थित दुर्गा मंदिर में चोरी करते हुए स्थानीय लोगों ने पकड़ा चोर। पकड़ा गया चोर बताया जा रहा है नाबालिग। सोलन की अधिष्ठात्री देवी शूलिनी माँ की बहन दुर्गा माता मंदिर में देर रात चोरी करते हुए एक युवक को रंगे हाथों पकड़ा गया। चोर को स्थानीय लोगों की सहायता से पकड़ा और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये युवक नाबालिग बताया जा रहा है। फिलहाल इस घटना पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आपको बता दें कि इस मंदिर को चोर पहले भी अपना निशाना बना चुके हैं, जिसके चलते आसपास के लोग और मंदिर के पुजारी हमेशा चुकन्ना रहते हैं और यही वजह है कि इस बार चोर चोरी करने में असफल रहा और पकड़ा गया। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि देर रात एक युवक दुर्गा माता मंदिर में चोरी करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें वह मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर मंदिर के गुल्लक को उठाकर भागने की फिराक में था, लेकिन यह भाग पाता उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। शिव कुमार ने बताया कि पकड़ा गया युवक नाबालिग है, जिस पर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले लक्कड़ बाजार में भी मंदिर में चोरी हुई थी, जिसमें करीबन 11,000 मंदिर के गुल्लक से चोर चोरी करने में सफल हुआ था। आज पकड़े हुए नाबालिग युवक से ये खुलासा हुआ है कि उसी ने ही लक्कड़ बाजार में स्थित दुर्गा माता मंदिर में चोरी को भी अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने इस युवक से करीबन 5,000 चोरी के भी बरामद कर लिए हैं। गौरतलब है कि यह चोर कुछ दिन पहले लक्कड़ बाजार में स्थित मंदिर में चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे की कैद में हो गया था। पिछले कल रात को 11:30 बजे के करीब हमारे पास सूचना आई थी पुलिस स्टेशन में कि एक व्यक्ति ने गंज बाजार में जो ओल्ड शूलिनी माता जी का मंदिर है वहाँ पे चोरी का प्रयास किया है। इस पे हमारी टीम मौके पे गई तो जांच पे पाया गया कि एक लड़का जो कि नाबालिग है, उसने शूलिनी माता मंदिर के मेन गेट का कुंडा तोड़ के अंदर घुसा और उसने जो है साथ में जो शिव मंदिर है वहाँ से एक दान पात्र उठा के बाहर जा रहा था, तो लोगों ने पुजारी ने लोकल लोगों की मदद से उसको डिटेन किया हुआ था। इस पे जो है पुलिस ने 380 और 457 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। सोलन से अमरप्रीत कुंज की रिपोर्ट।